अरे अरे ठीक है यार, अब ले जाना तो दे तो दिया ही है। यहाँ के सबसे महंगे की शॉप कौन सी गाड़ी वाला? पूना गाड़ी। हाँ तो भाई सुबह की सभी को राम राम। तो आज है भाई गणेश चतुर्थी, तो सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो भाई आज का कुछ सीन ऐसा होने वाला है कि हम जा रहे हैं अभी सबसे पहले खजराना मंदिर, एंड उसके बाद जाएंगे भाई बड़ा गणपति, खड़ा गणपति, दो मंदिर हैं शायद वहाँ पे जाएंगे। और भाई यहाँ के ना माहौल ही अलग होते हैं बिल्कुल। गणेश चतुर्थी के दिन ना भाई इतनी भीड़ होती है कि भाई बोल नहीं सकते। तो जल्दी से जाके देखते हैं। और हालांकि अकेले ही जा रहे हैं यार, दो तीन लोगों को फ़ोन लगाया तो कोई जा नहीं रहा, तो मैंने सोचा अकेले ही ब्लॉग शूट कर लेते हैं। और हमारी धन्नो कोई जाए ना जाए, लेकिन हमारी धन्नो हमारे साथ है एंड हमारा कैमरा हमारे साथ है। तो जल्दी से चलते हैं भाई। और क्या हाल है? बढ़िया भाई, मैं बढ़िया हूँ। क्या नाम है तुम्हारा? अरुण। अरे तुम तो यार शर्मा रहे हो यार, क्या लेके जा रहे हो? समोसा ले लाओ, खिला रहे हो? लाओ देखो, ले जाऊँ सही में? तो ले जा रहा हूँ। अरे अरे ठीक है यार, अरे ले जाना तो दे तो दिया ही है। बताओ चलना है? अपन जा रहे हैं उधर गणपति मंदिर, खजराना चलना है। हाँ ब्लॉगिंग करेंगे और क्या। ला दे तो यार समोसा दो। अरे राइडर नहीं, पहले समोसा दो, पहले भूख ऐसी लग रही है भाई। इतना क्राउड ना मैंने आज तक नहीं देखा, मतलब पीछे तक पूरी पार्किंग भरी हुई है। और इतना घूम के आना पड़ा, नहीं तो यहाँ से कट से आ जाते थे। पूरा पीछे तक भर हुआ है। चलते चलते हैं भाई, स्लीपर यहाँ उतारना है। दुनिया के सबसे महंगे की शॉप, मतलब इसकी कीमत इतनी कीमत है ना, शॉप की इतनी कीमत है ना सबने, क्योंकि इसकी कीमत इसलिए भी ज़्यादा है कि मतलब मंदिर के लिए फर्स्ट शॉप है। और बेसिकली कोई भी प्रसाद खरीदता है तो फर्स्ट शॉप से ही खरीदता है। जल्दी हैंड धो लेते हैं भाई, अब चलते हैं मंदिर। भाई अभी भूल भुलैया से आ गए हैं हम यहाँ पर, और यहाँ पर भी भाई काफी ज्यादा भीड़ है। अपन ना पीछे कर लेते हैं, यहाँ पे अगर लाइन में लगेंगे ना तो अभी एक घंटा तो निकल जाएगा आराम से। बाकी अच्छे से दर्शन हो गए, प्रसाद यहाँ से ले लेते अपन। अब चलते हैं अपन भाई माता रानी का मंदिर। भाई ऊपर अभी श्री राम जी का जो दरबार है वहाँ पे जाने नहीं देते भाई, बहुत प्यारा लगता है ऊपर। और ये हनुमान जी पर्वत उठाए हैं भाई, जय श्री राम। भाई पीछे चलते हैं यार, यहाँ पे ना अभी सारे बंद करके रखे हैं उन्होंने गेट यहाँ के भी, एंड यहाँ के जो मंदिर है पीछे मंदिर है वहाँ का भी बंद रखा है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्राउड आता है ना तो भाई संभालने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। अब चलते हैं, क्योंकि अगर यही चीज़ अगर मैं रात को आता ना तो रात को तो भाई यहाँ कदम रखने की जगह भी नहीं, कदम भी नहीं रखते, इतना क्राउड आएगा। हाँ चलो भाई प्रसाद ही मिल गया।
अब वो अपन खुश हैं बाबा, क्योंकि भाई अंदर भीड़ थी ना तो प्रसाद को मतलब ऐसी लूटा लाटी मच रही थी ना, कुछ बोलो नहीं मोदक। चलो चलते हैं लो भैया ले लो। भैया देख ही नहीं रहे हो, कह रहे ले लो भैया, कह रहे नहीं हम नहीं देखेंगे भाई, व्लॉग बन रहा है। चलो चलते हैं भाई। पीछे करो। ये देख पुणे गाड़ी का कैमरा है। कौन सी गाड़ी बोला? पुणे गाड़ी। हाँ। तो ये क्या काम में लेते हो भैया? इससे व्लॉग बनाते हैं। आप आ रहे हो, आप यूट्यूब पे आओगे? आप कुछ बोलो, शायरी बोलो कुछ। क्या बात है बड़ी चिंता। तो भाई अभी मंदिर होके अब आ गए हम द क्रश कॉफ़ी, जो कि न्यू आउटलेट है गीता वन पे, एंड मैं फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ इस न्यू आउटलेट पे। देखते हैं यहाँ की कॉफ़ी कैसे होने वाली है। सिटिंग ऊपर भी है। तो भाई आ चुकी है हमारी कॉफ़ी मोचा। वो भाई इंटरफेस देखो तो क्या बना रहा है। जल्दी से बैठते हैं एंड थोड़ा सा वेट करके फिर हम निकलते हैं मंदिर की ओर। 10 years later। तो भाई अभी कॉफ़ी वगैरह पी के रेडी हुए हैं, अब जा रहे हैं हम लोग बड़ा गणपति, जो कि मरी माता में पड़ता है। वहाँ पर मतलब थोड़ा मुझे डिस्क्लेस हो रहा था कि मतलब बड़ा गणपति है या फिर खड़े गणपति हैं, तो दो मंदिर हैं वहाँ पर, जो भी जाते हैं देखते हैं भाई। और कॉफ़ी में तो भाई एकदम मज़ा ही आ गया। एंड एक बार आउटलेट देख लो, आना हो तो आ सकते हो आप आराम से। और मतलब कभी भी कॉफ़ी पीने जाओ ना तो एक से दो घंटे बैठ के आओ भाई, तो काफ़ी अच्छा लगता है एंड कॉफ़ी के मज़े डबल हो जाते हैं। तो बस अब जल्दी से चलते हैं। ये रखी हमारी गाड़ी, और क्राउड तो वैसे ही काफ़ी होने वाला है, जैसे कि खजराना में हुआ था ना, उससे ज़्यादा क्राउड मिलेगा शायद तक। तो जल्दी से चलते हैं। अभी आ चुके हम लोग बड़ा गणपति, और भाई यहाँ पर ना क्राउड ने भाई पूरा ट्रैफिक जाम करके रखा है। अगर आ रहे हो ना तो भाई पार्किंग की व्यवस्था देख के आना, और जल्दी चलते हैं मंदिर के अंदर। ये रखी अपन ने गाड़ी पार्क। भाई मेरा व्लॉग बना तो मैंने अंदर से भी शूट कर लिया यार, मतलब यार एकदम फीलिंग कुछ अलग आती है भाई। कोई इस ऐसी चीज़ मतलब होती है भगवान का चमत्कार, तो मतलब फीलिंग अलग आती है। और साथ में प्रसाद भी अंदर से मिल गया है भाई, बहुत किस्मत वाला हूँ मैं। देख खड़ी अपनी गाड़ी। तो गाइस फाइनली आ चुका हूँ मैं अभी रूम पर, एंड भाई क्या बताऊँ यार, इतना थक गया ना। एक तो क्या ड्राइव भी करनी पड़ती है, एंड ऊपर से भाई काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक, तो भाई एकदम हालत ख़राब हो चुकी है। भाई खाना वगैरह खा के मैंने थोड़ा आराम किया, और मैं ब्लॉग को एंड करना भूल गया था, तो मैं ब्लॉग को एंड करने आया हूँ। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर देना, चैनल में तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राम राम एंड जय श्री गणेशा।